मेरठ में 4 दिन से लापता एक मोबाइल टावर कंपनी के सुपरवाइजर को उसी के साथियों ने हत्या कर दी और शव को गंग नहर में फेंक दिया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस भी सख्ते में है और पुलिस ने आनन फानन में हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। कुछ ऐसी चीज पाई, कुछ ऐसे क्लूज मिले कि हो सकता है किसी प्रोफेशनल रंजिश के कारण, किसी ऐसी रंजिश के कारण अंकित के साथ कोई दुर्घटना की जा सकती है। पुलिस ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और इसका संज्ञान लेते ही जब पुलिस को पता पड़ा कि अंकित त्यागी एक सुपरवाइजर पद पर एक कंपनी में पोस्टेड था और वहाँ जो भी घपले हुआ करते थे या जो भी गलत हुआ करता था उस कंपनी में, कहीं चोरी होती थी, कहीं कुछ अन्य बात होती थी, तो उसमें कुछ लोग उस कंपनी में लिप्त हुआ करते थे। उनकी जब चोरी अंकित त्यागी ने अपने सीनियर अफसरों के समक्ष उजागर करी एज ए सुपरवाइजर, तब ये लोग उससे रंजिश मानने लगे। इसमें बबलू प्रमुख है और बबलू ने फिर अपने कुछ दोस्तों को साथ में मिलाकर और जानकारों को साथ में मिलाकर अंकित के साथ इस तरह की घटना को कारित किया। बबलू ने सबसे पहले झांसे में इसको लेकर इसको नहर के पास ले जाके इसकी जो बॉडी, इसका जो गला है उसको काटा और काटने के बाद उसको बॉडी को डंप कर दिया। डंप इसने गंग नहर में किया। पुलिस ने